लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधीर शर्मा। आज की तिथि आपको याद होगी, एक साल पहले आज ही के दिन यानी 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए आज ही के दिन जनता कर्फ्यू लागू किया था और उसके बाद देश में एक भय का माहौल पैदा हो गया था कि आखिर कोरोना क्या करेगा, क्योंकि दुनिया के 186 देशों में कोरोना पहले से ही तबाही का आलम मचा रखा था। ऐसे में भारत के नागरिकों को जागरूक करना बेहद जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए जागरूकता के लिए जनता कर्फ्यू का सहारा लिया। पूरे देश में 130 करोड़ लोग अपने घरों में बंद हो गए और उसके तीन दिनों के बाद यानी 25 मार्च को देश में सख्ती के साथ अनिवार्य रूप से कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन लगा दिया गया। आज 22 मार्च है। आज के दिन आपको इसलिए याद दिलाना चाहते हैं कि याद कीजिए कि उस समय जब कोरोना की संख्या बहुत कम थी, संक्रमण बहुत कम था, तब देश में व्यापक तरीके से इसे रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे थे। आज कोरोना फिर से लौट आया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन यह जानकारी देने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि आज के दिन में जब एक साल पूरे हो चुके हैं इस जनता कर्फ्यू के, तब देश में कोरोना की स्थिति कितनी है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज है उसके अनुसार 1,55,284 लोग आज के दिन में कोरोना से प्रभावित हैं, कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें अब तक 1,59,594 लोगों की मौत हो चुकी है। आप याद करिए कि जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू हुआ था और उसके ठीक तीन दिनों बाद लॉकडाउन लगा था, उस दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या बेहद कम थी। सरकार का मकसद था कि कोरोना नियंत्रण में रहे और लोगों की जान बचाई जा सके, जैसा कि 186 देशों में दुनिया के हो रहा था। कोरोना लाखों लोगों की जान ले चुका था। विकसित देशों में अमेरिका और जापान जैसे दूसरे देशों में हालत बेहद खराब थी। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां घनी आबादी हो, वहां पर कोरोना को नियंत्रण करना बेहद जरूरी था और इसीलिए जनता कर्फ्यू लगाया गया। इसका असर भी देखने के लिए मिला। पिछले एक साल से लगातार देश में कर्फ्यू लागू रहा और 8 महीनों के सख्त लॉकडाउन के बाद मिशन बिगिन अगेन शुरू हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे तमाम चीजों में ढिलाई दी जाने लगी। हालांकि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आज जबकि एक साल पूरे हो रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन भी भारत में दो तरह की वैक्सीन बन चुकी है, दो वैक्सीन आ चुकी है, इलाज भी शुरू हुआ है। फ्रंट लाइन वर्कर्स, मेडिकल कर्मियों को और सीनियर सिटीजन्स को ऑलरेडी वैक्सीन दी जा रही है। इसके बावजूद भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए एक बार फिर ये गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्या देश में फिर से कोरोना नियंत्रण के लिए लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। क्योंकि आंकड़े कुछ इसी तरह से बताते हैं कि अगर पिछले 2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो उस वक्त भी लाखों की संख्या थी जो कोरोना से संक्रमित लोग थे और आज फिर एक बार उसी तरह की स्थिति देश में देखने के लिए मिल रही है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज है उसके अनुसार आज के दिन यानी 22 मार्च के दिन 1,55,284 कोरोना के मरीज अभी सक्रिय हैं, इस वक्त हैं जो संक्रमित हैं, जबकि अब तक 1,59,594 यानी तकरीबन 1,60,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं सिर्फ कोरोना के कारण। आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 2,45,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से 53,300 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के जो ताजा आंकड़े हैं, 27,500 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं, जो नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। आज के दिन 92 लोगों की मौत हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये बेहद ही चौंकाने वाला और बेहद खतरनाक अल्टीमेटम है, जिसको लेकर गंभीर होने की जरूरत है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि सरकार इसके लिए गंभीर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का स्ट्रेन दोबारा लौट आया है वो कहीं ना कहीं जिंदगियों के लिए खतरा है, इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं, इस बात के लिए आगाह कर चुके हैं
कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना फिर से पुरानी स्थिति में, पुरानी रफ्तार में यहाँ पर लौट सकता है और उसका खामियाजा बड़े पैमाने पर इस बार भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए तमाम स्थानों पर, तमाम शहरों में लॉकडाउन की स्थिति शुरू हो गई है। पूना, नागपुर जैसे शहरों में लॉकडाउन लग गया है। कई महाराष्ट्र के इलाके ऐसे हैं जहाँ नाइट कर्फ्यू चल रहा है। हम मुंबई की बात करें, यहाँ भी नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन हालत इससे सुधरती हुई नहीं दिख रही है। इसके पीछे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि नागरिक कोरोना को लेकर बेहद लापरवाह हैं। जो मास्क का उपयोग है वो नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, जो सामाजिक दूरी या जो फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है उसको, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा खतरा सामने दिख रहा है। हम जिस सिटी में इस वक्त हैं, नई मुंबई में, यहाँ आज के दिन ही 316 नए मामले आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन पहले भी 294 लोगों की परख हुई थी जो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, और इसीलिए यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 45 स्क्वाड बनाए गए हैं, टीमें बनाई गई हैं ऐसी जो कोरोना से बचाव के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकें, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसके बावजूद हम आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई और खासकर महाराष्ट्र के जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे APMC मंडी है, इंडस्ट्रियल इलाका है और बाजार हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ हो रही है। नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन जो दावा कर रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा होता कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम मुंबई में इस वक्त अगर मुंबई की हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी बड़ी APMC मंडियाँ हैं। यहाँ पर हर दिन तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग उस मंडियों में इकट्ठा होते हैं। अगर आप वहाँ का नज़ारा देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि वहाँ कोरोना से नियंत्रण के लिए, कोरोना से बचाव के लिए कोई भी सावधानी बरती नहीं जा रही है। हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो नियमों का खुला उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन का दावा है कि इसके लिए जो 45 टीमें बनाई गई हैं, जो स्क्वाड बनाए गए हैं, जो उड़न दस्ते बनाए गए हैं कि वो जगह जगह जाकर अलग अलग इलाकों में निगरानी कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये टीमें नहीं दिख रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोगों को इसी तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या दोबारा उसी तरह का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है? दोबारा फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है? अगर लोग नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है कोरोना का यह विस्फोट व्यापक हो सकता है और बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका एक बार फिर से गंभीर दिखाई देने लगी है, लेकिन उससे ज़्यादा भूमिका नागरिकों की दिख रही है जो बेहद ही लापरवाह तरीके से कोरोना को दरकिनार करते हुए अपना काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नागरिकों की लापरवाही मुंबई और खासकर महाराष्ट्र के लिए विस्फोटक स्थिति पैदा कर दे और कोरोना की स्थिति इतनी खतरनाक हो जाए कि लोगों का मरने की संख्या जो है बढ़ती चली जाए। आज के दिन अगर देखें तो 53 लोगों की मौत हुई है, तो ये बहुत बड़ा एक अल्टीमेटम है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है और उसको नियंत्रण करने के लिए जिस तरह की सावधानियों की जरूरत है वो बरतनी बेहद जरूरी है। फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार के ऊपर संकट है। मनसुख हिरेन और एंटेलिया के मामले में सरकार अपने आप में व्यस्त है। मंत्रियों के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ संगीन आरोप लगे हैं, इसलिए राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में सरकार का ध्यान अपने आप को बचाने, अपने मंत्रियों को बचाने और अधिकारियों के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए जनता का ध्यान इस वक्त जनता पर, कोरोना को लेकर जनता के ऊपर ध्यान सरकार का उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसे में नागरिकों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है कि क्या आप, हम और आप अपनी लापरवाही के कारण अपने जान का जोखिम क्यों डालें? आखिर क्यों जरूरत पड़ी है कि अगर इस तरह से गंभीर मामला अगर सामने दिख रहा है, अगर कोरोना का संक्रमण दिख रहा है, तो हमें क्यों नहीं सावधानी बरतनी चाहिए? अगर हम एकदम से सरकार के भरोसे रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह विस्फोट जो है हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है, जिस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं। आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहते हैं, 2020 में जून के महीने में तमाम व्यापक इंतजाम हुए थे, 100 ICU बेड तैयार किए गए थे और 1000 के तकरीबन जो नॉर्मल बेड थे, ऑक्सीजन वाले बेड थे, उनको तैयार किया गया था ताकि अगर कोरोना से कोई बाधित होता है या सीरियस होता, गंभीर स्थिति में अगर उसकी सेहत आती है तो उसके लिए अस्पतालों में इस तरह के इंतजाम किए जाएँ। इस वक्त इंतजाम उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोरोना की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो वही पुराने वाले इंतजाम फिर से करने पड़ेंगे, लेकिन आज स्थितियाँ इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं, इतनी सामान्य हो गई हैं
कि इसके लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं दिख रहा, सिर्फ महानगर पालिका और स्थानीय प्रशासन है वो जरूर इस बात का दावा कर रहे हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान इस वक्त इस दिशा की ओर गंभीर नहीं है, कोरोना की ओर गंभीर नहीं है। उसके इलाज के लिए व्यापक तौर पर जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जो फिर से इंतजाम करने चाहिए थे, वो इंतजाम अभी नहीं है। फिलहाल मुंबई में क्वारंटीन सेंटर नहीं चल रहे हैं, लोग जिन लोगों को कोरोना हो रहा है या जो कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन जिस तरह से पहले इंतजाम थे, क्वारंटीन सेंटर थे, डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर से, इस तरह के इंतजाम फिलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं। जो सामान्य अस्पताल थे महानगर पालिका के, उनको भी तब कोरोना अस्पताल के रूप में तब्दील किया कर दिया गया था, क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया था, डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स बना दिए गए थे, लेकिन अब वो स्थिति भी नहीं दिख रही है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के जरिए स्थानीय प्रशासन और सरकार से ये जरूर उनको ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कोरोना बढ़ रहा है उसे देखते हुए दोबारा गंभीर होने की ज़रूरत है। सिर्फ कागजों पर नहीं, सिर्फ कार्यालयों में नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर इसके लिए इंतजाम करने की जरूरत है। नागरिकों में ज़्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है और जो नियम निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि कोरोना का विस्फोट दोबारा ना होने पाए और दोबारा ऐसी स्थिति ना होने पाए कि फिर से महाराष्ट्र में, मुंबई में और बाकी शहरों में लॉकडाउन की नौबत आने पाए। हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए आपको याद दिलाने की, आपको जागरूक करने की है, स्थानीय प्रशासन और सरकार को जागरूक करने की है, उसको चेतावनी देने की है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासनिक लापरवाही और कार्रवाई में लचरता दोबारा लॉकडाउन की नौबत न ला दे। और नागरिकों से भी ये अपील है कि आप सावधान रहिए, लापरवाही छोड़िए, क्योंकि कोरोना फिर से लौट आया है, कहीं ऐसा ना हो कि यह लापरवाही आपके जान के लिए जोखिम बन जाए। आज बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया। नमस्कार।